दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार, और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर से जूझ रहे चीन को 2017 के अपने वृद्धि दर के आंकड़े को घटाना पड़ा है, और अब चीन ने अपने जीडीपी विकास दर आंकड़े को 6.9% से घटाकर 6.8% कर दिया है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है अमेरिका में शटडाउन के चलते बगैर वेतन के घर बैठे कर्मचारियों के लिए मसीहा बनकर सामने आते हुए टेक्सास के एंटोनियो में सिख समुदाय ने 3 दिनों तक मुफ्त शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है कुंभ मेले में पहुंचे आरएसएस के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान देते हुए आश्वासन दिया कि अयोध्या में राम मंदिर 2025 यानी अगले लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद बन जाएगा। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत क्षमताओं को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत बिजली का शुद्ध निर्यातक बन गया है और देश भर के बड़े पैमाने पर LED बल्ब बांटे गए हैं। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादक बन गया है। और बड़ी खबरों में पांचवे नंबर पर है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी साल में किसानों के लिए कुछ बड़ा करने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए चुनावी साल की परंपरा से अलग हटकर कुछ कर सकती है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है मुकेश अंबानी ने वाइब्रेट गुजरात समिट में गुजरात को रिलायंस की जन्मभूमि और कर्मभूमि बताते हुए कहा कि हमने गुजरात में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे यहां लगभग 1 मिलियन से अधिक आजीविका के अवसर सृजित हुए हैं, और अगले 10 साल में रिलायंस गुजरात में अपने निवेश को 2 गुना करेगा। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है केंद्रीय राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर द्वारा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भ्रष्टाचार को लेकर CBI को सूचित करने को लेकर उनकी तारीफ करते हुए बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने कहा कि इस दिशा में आपके प्रयास सराहनीय हैं और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए यह एक प्रशंसनीय कदम है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है झारखंड में विपक्षी महागठबंधन को लेकर अटकलों का दौर थमता नजर आ रहा है, जिसको लेकर झारखंड में प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर हुई बैठक के बाद माना जा रहा है कि वे राज्य में विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के नादौड़ में एक रैली के दौरान दलित कार्ड खेलते हुए कहा कि क्या कोई ऐसा मंच है जहां दलित और मुसलमान की बात एक साथ उठ सके, और आप सभी सिर्फ शर्मा द्विवेदी राहुल मोदी को वोट देने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, अपने लोगों को वोट दीजिए। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है RSS के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी द्वारा 2025 में राम मंदिर बनाने के बयान पर भड़की BJP की सहयोगी शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि RSS भाजपा की ढाल बन रही है, और क्या यह नया जुमला है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय शिमला के नए अध्यक्ष के पदभार संभालने के दौरान कार्यकर्ताओं में हुई झड़प को कुलदीप सिंह राठौर ने छोटी घटना करार देते हुए बताया कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी वारदातें होती रहती है। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ना तो मोदी को बच्चे पालने हैं और ना ही योगी को, इसी कारण हमने भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की है। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर सरकार की माने तो पिछले 17 दिनों में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़कर भी 1036 हो गई है। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है गुजरात और झारखंड के बाद UP की योगी सरकार ने भी सवर्णों को 10% आरक्षण देने के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके आधार पर UP में 14 जनवरी 2018 से गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है लोकसभा चुनाव से पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बॉर्डर पर जवानों के शहीद होने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि किसी भी देश के साथ भारत का युद्ध नहीं चल रहा, फिर भी सीमा पर लगातार सैनिक शहीद हो रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं।
और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी की वकालत करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि देश में 60% से ज्यादा युवा हैं, लेकिन इसके बावजूद कैबिनेट में सांसद और वरिष्ठ लोगों की संख्या अधिक है और इन दोनों पीढ़ियों के बीच बातचीत नहीं होगी तो देश की प्रगति कैसे होगी। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है आर्थिक आधार पर सामान्य आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार अब ओबीसी की हिस्सेदारी को नए सिरे से तय करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों में उनके यहाँ काम करने वाले ओबीसी कर्मचारियों की संख्या मांगी है। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है देश में इस साल होने वाली आर्थिक गणना के आंकड़े जुटाने को लेकर बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने कहा कि आर्थिक गणना सीएससी के ग्रामीण उद्यमी करेंगे और इसके लिए सरकार ने करीब 15 लाख ग्रामीण उद्यमियों के जरिए गणना का बुनियादी ढांचा तैयार करने की शुरुआत कर दी है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है बिहार के मोकामा से बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसको लेकर वह आज मुंगेर में एक बड़ा रोड शो कर अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने दावा किया कि इस शो में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है सीबीआई से आलोक वर्मा की छुट्टी के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लेते हुए सीबीआई के नंबर 2 अधिकारी स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की छुट्टी कर उन्हें सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भेज दिया है। और बड़ी खबरों में 21वें नंबर पर है मध्य प्रदेश में मंदसौर के नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद बंधवार की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है, जिसको लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है। और बड़ी खबरों में 22वें नंबर पर है कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार को गिराने में फेल होने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा को एक ज्योतिषी ने भरोसा दिलाया कि उसके सितारे बदलने वाले हैं और वह सत्ता में जरूर आएंगे, जिसके बाद येदुरप्पा अब 2019 की तैयारी में जुट गए हैं। और बड़ी खबरों में 23वें नंबर पर है भारतीय सेना उत्तरी कमांडर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे चलती है और हमारे जवान पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम हैं। और बड़ी खबरों में 24वें नंबर पर है पेट्रोकेमिकल टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में दमदार ग्रोथ की बदौलत रिलायंस इंडस्ट्री देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका तिमाही मुनाफा 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। और बड़ी खबरों में 25वें नंबर पर है नीति आयोग ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इनकम सपोर्ट के रूप में किसानों को हर साल प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए दिए जाने का सुझाव सरकार को दिया है, जिसको लेकर जानकारों का मानना है कि ऐसा करने से किसानों की समस्या हल हो सकती है। और बड़ी खबरों में 26वें नंबर पर है अमेरिका में रस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक शोध के जरिए दावा किया है कि अधिक उम्र तक जिन वयस्कों को अल्जाइमर के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं वे अगर रोज व्यायाम या घर पर दैनिक काम करें तो इससे याददाश्त को बनाए रखा जा सकता है। और बड़ी खबरों में 27वें नंबर पर उन युवाओं के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने 5,085 जेल वार्डन फायरमैन एवं कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 9 फरवरी तक www.uppbpv.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 28वें नंबर पर है सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में आज भारतीय खेल प्राधिकरण के निदेशक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें साई के निदेशक एसके शर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी हरिंदर प्रसाद, सुपरवाइजर ललित जौली और यूडीसी वीके शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबरों में 29वें नंबर पर है फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट द्वारा उनकी मां सोनी राजदान की मुख्य भूमिका वाली फिल्म नो फादर इन कश्मीर पर बैन हटाने की मांग पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऑस्कर के लिए नामित हो चुके डायरेक्टर अश्वनी कुमार की फिल्म नो फादर इन कश्मीर पर किसी तरह का बैन नहीं लगाया है। और बड़ी खबरों में 30वें नंबर पर है बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला और उनसे बातचीत के बाद मैं बेहद प्रेरित महसूस कर रहा हूँ, उनकी दृष्टि और प्रतिभा कमाल की है।
तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।